सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपकी एक जिज्ञासा पर यह वीडियो बना रहा हूँ। कई भक्तों की यह जिज्ञासा होती है कि तनाव को घटाने का सबसे आसान तरीका बताएं। तो सबसे आसान तरीका, चाहे आपको किसी भी प्रकार का तनाव हो, किसी भी कारण से हुआ, आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो गई उसके कारण हुआ है, या किसी से संबंध में बिगाड़ हो गया उसके कारण तनाव हो गया है, या आपको किसी प्रकार अन्य का भय है उसके कारण तनाव हो गया है, या अन्य जो परिस्थितियाँ होती हैं राजनीतिक, सामाजिक, दैहिक, मानसिक, किसी भी प्रकार की समस्या हुई है जिसके कारण तनाव बढ़ गया है, बीमारी हो गई है वो उसके कारण तनाव बढ़ गया है, तो यह जो है सबसे आसान और प्रभावी आपको योग में बतलाने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है कि किसी भी पोजीशन में जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो बैठ जाइए। मुख्यतः 6 आसन में से किसी एक आसन को स्वीकार किया जाता है, इसके लिए पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन या वक्रासन, इनमें से किसी एक आसन में आप आसानी से जिसमें भी बैठ पाते हो आप बैठ। और जिस समय आपको ज़्यादा तनाव हो, अगर आपको तत्काल कुछ करना है तो तत्काल भी कर सकते हैं और इसे डेली रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। तो तत्काल रिलैक्सेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप इन 6 आसन में से किसी एक आसन पर बैठने की स्थिति में भी नहीं हो, ऑफिस में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, किसी अन्य के घर में हो, तो वैसी स्थिति में आप जिस भी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी आप इसे कर सकते हैं, यानी सोफा पर या गद्दे पर या जमीन पर कहीं पर भी बैठे हुए हों आप किसी भी पोजीशन में, तो आप इसको कर। लेकिन वे जो 6 मैंने बताए आपको, वे ध्यान आसन है, वे बहुत अच्छा आप जल्दी प्रभाव देते हैं, इसीलिए मैंने आपको वह कहा। लेकिन आपके पास अभी वह समस्या है कि आप वैसे स्थिति में नहीं बैठ सकते किसी कारणवश, तो आप फिर आप जैसे भी बैठे हुए हैं बस उसी पोजिशन पर आपको करना है, बहुत सिंपल सा है। और आपको क्या करना है कि इन सभी उंगलियों को इस तरह से सटा देना, दबाव नहीं बनाना है, ध्यान रहे, सटा देना बस, सीधा बैठ गए। और अब आपको क्या करना है कि लंबी सांस भर लिए और लंबी सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे, मन ही मन उच्चारण करेंगे और आराम से उच्चारण करेंगे। लेकिन आपको बस अपनी तरफ से आपको इसकी हैबिट बनानी है कि 16 सेकेंड या उससे ज़्यादा तक आप कर सकें, यदि नहीं कर सकते हैं तो जितना भी कर पा रहे हैं उतना से करें, फिर धीरे धीरे इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। मन ही मन करेंगे, आराम से करेंगे, रिलैक्स होकर करेंगे और मुस्कुराते हुए करना है, मन ही मन करना है, बस सांस जो आपकी छूट रही है उस समय करना। याद रखिएगा,
भरते समय नहीं, सांस छोड़ते समय ही इसे करना है। सांस भर लेते हैं, नाभि को अंदर जाने दीजिएगा जितना नाभि अंदर जा सके, लेकिन बिना बहुत ही ज्यादा बल लगाए हुए। जैसे जैसे स्थिरता अपने आएगी, हर एक सांस के साथ स्थिरता आएगी, और आप देखेंगे मात्र 11 सांस से ही आप एकदम रिलैक्स होने लगे। 21 सांस तक जाते जाते पूरा रिलैक्स हो जाएगा। वैसे इसका शास्त्रीय विधान तो 108 बार करने का है, लेकिन इसका प्रभाव इतना अच्छा है कि 11 सांस में ही आप जो है रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। बल्कि कुछ जिनको हल्का है वो तो एक सांस में भी करने लगेंगे। कोशिश यही कीजिए कि जहाँ ताज़ी हवा हो वहाँ करें, प्रदूषण वाली जगह में नहीं करें। लेकिन अगर आपको बहुत आपात स्थिति है तो आप प्रदूषण वाली जगह में भी कर सकते हैं। मन ही मन उच्चारण करेंगे, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ओम का उच्चारण किया था, ऐसे मैंने बोल के किया। आपको मन ही मन बोलना है। फिर से एक बात करते हैं हम, इस प्रकार से रिचक प्रणव प्राणायाम है यह, और इससे आपके अवसाद, आपकी चिंताएं, आपका तनाव दूर होता है, और न सिर्फ दूर होता है बल्कि उन चिंताओं के जो कारण हैं उसका अच्छा से विश्लेषण भी आपकी बुद्धि कर पाएगी और एक समाधान भी निकाल पाएगी। बस आप इसको करते जाएं और आप देखेंगे कि आपकी सब समस्याओं का समाधान यह बदला देगा। 11 बार करें, बढ़ के 21 बार करें। जब आप करते रहेंगे ना, उस समय ही आपके दिमाग में इसका समाधान भी उपजता रहेगा। बस आपको रिलैक्स होकर के आराम से इसे करना है। करते करते 108 बार तक ले जाएं, निश्चित ही समस्या का समाधान आपको एक सीटिंग में ही आपको मिल जाएगा। आजमा के देखें आप। हरिओम।